इकोनॉमी को एनिमल किंगडम का सर पीवाईक्यूज और क्वेश्चंस लगाना, तो लाइक 15-20 मिनट के बाद फिर छोड़ देंगे हम। या नो प्रॉब्लम, 10-15 मिनट। हां ओके राइट। नेक्स्ट अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन तो कंप्लीट हो गया प्रॉपर्टी ऑफ दी हेलो एल्केन्स। अच्छा थोड़ा सा इसके पहले एक चीज और कर ले बेटे, अभी जितना हम लोग किए हैं अल्काइल हैलाइड यानी अल्काइल क्लोराइड का प्रिपरेशन देखे हैं, अल्काइल क्लोराइड का प्रिपरेशन देखे हैं। दूसरा जो बच गया है कौन सा बच गया, अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड आपका बच गया, अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे। ब्रोमाइड का तो सेम रहता है, क्लोरीन जैसा ही, क्लोरीन जैसा ही ब्रोमाइड का रहता है। सिर्फ क्लोराइड और RF और RI का देखना है, RF एंड RI का देखना है। ठीक है, तो पहला हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। आयोडाइड में हम लोग क्या देखे थे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बना था HI, याद होगा, जिसके कारण वो रिवर्सिबल होकर फिर अल्केन बन जाता था। तो वहां पर हम लोग क्या देखे थे, अल्काइल हैलाइड नहीं बना पाते थे बिकॉज ऑफ HI, बिकॉज ऑफ HI राइट। उसको फिर क्या किए थे, HNO3 से रिएक्ट कराकर आयोडीन बनाए थे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि अल्काइल हैलाइड यदि बनाना है तो टेक्निक क्या यूज करें, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। क्या करेंगे, पहले दूसरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल RX कंसीडर कर लिए, कोई अल्काइल हैलाइड कंसीडर कर लिए, पहले से क्लोराइड बना लिए या ब्रोमाइड बना लिए, क्या किए, क्लोराइड और ब्रोमाइड बना लिए, एक्सचेंज करने, जो क्लोराइड बनाया उसको आयोडीन से एक्सचेंज कर लेंगे। तो क्लोराइड अल्काइल क्लोराइड ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं डिफरेंट टेक्निक से, या अल्काइल ब्रोमाइड भी बना चुके हैं। तो एक्सचेंज टेक्निक में क्या करेंगे, तो एक से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइदर क्लोरीन या ब्रोमीन। ठीक है, अब इसको एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज करने में क्या ध्यान देना है, सोडियम आयोडाइड से, सोडियम आयोडाइड। ठीक है, ये यहाँ पे सॉल्यूशन किस तरह का ले रहे हैं हम लोग, पोलर प्रोटिक एसीटोन, एसीटोन के प्रेजेंस में। एसीटोन क्या हो गया, CH3 कीटोन वाला, CH3CO CH3 राइट बेटे। अब यहाँ पे क्या होगा, आप ध्यान से देखो, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा है एक्सचेंज मेथड में। सोडियम आयोडाइड क्या हो गया आपका, यहाँ पर सोडियम आयोडिक कंपाउंड प्लस माइनस आयोडीन क्या हो गया आपका, न्यूक्लियोफाइल हो गया। यहाँ पर एक्स भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का एक्सचेंज हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, अपना क्या बन जाएगा, RX प्लस सोडियम NX। क्या कर रहे हैं, ये टेक्निक क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली अल्काइल क्लोराइड नहीं बना सकते थे बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग HI बनाता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था ना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था उसका। टोर यहाँ पर क्या है कि हैलोजन एक्सचेंज मेथड में क्या कर रहे हैं कि अल्काइल क्लोराइड ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, अल्काइल ब्रोमाइड ऑलरेडी बना चुके हैं, उससे एक्सचेंज कर लेते हैं। तो किसके लिए क्या करना पड़ेगा, सोडियम आयोडाइड को यूज कर लिए। ठीक है बेटे, सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन RX बना दिया और सोडियम NX बना दिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ले लो, C2H5Cl प्लस NaI, एसीटोन के प्रेजेंस में CH3CO CH3, ये क्या दे दिया, C2H5X, एक से यहाँ पर आयोडीन हो गया प्लस सोडियम क्लोराइड, प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है बेटे, हाँ इसको हम लोग बोलते हैं फिंकल, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिंकल स्टीन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रिंकल रिएक्शन, फ्रिंकल रिएक्शन, F I
FINKELSTEIN फ्रेंकल स्टीन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रेंकल स्टीन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है, हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है, जिसमें कि अल्काइल आयोडाइड हम लोग नहीं बना सकते हैं, तो इस प्रोसेस मेथड से हम लोग इजीली बना लेते हैं। और एसीटोन किस तरह का है आपका, पोलर एंड एप्रोटिक, पोलर एंड एप्रोटिक। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा, पहले लिख लो, मैं बता रहा हूँ, पहले लिख लो तब फिर बता रहा हूँ। हाँ, फ्लोरीन और आयोडीन के लिए। अब दूसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछेगा उसको ध्यान दे, अपने लिख लिए इक्वेशन। यहाँ पे यदि सोडियम आयोडाइड के जगह पर यदि हम सोडियम क्लोराइड यूज करें, सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड, तब क्या रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? सोडियम क्या, सोडियम आयोडाइड के जगह पर सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड यदि यूज करते हैं तो क्या रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? यदि नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, यदि नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? ये कॉन्सेप्ट नहीं है, सॉल्यूशन वाला लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट क्या है ये ध्यान से समझो। बताइए एसीटोन जो है किस तरह का बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। एसीटोन में किस तरह का बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आप ध्यान से देखो बेटे, सोडियम ये जो है ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग में, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, कोवेलेंसी कैरेक्टर किसमें सबसे ज्यादा है, सोडियम आयोडाइड में। आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड, तब सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। सबसे आपका वहां पर फेजान रूल पढ़े थे ना, फेजान रूल में क्या था, कैटायन सबसे छोटा होना चाहिए, एनायन सबसे बड़ा होना चाहिए। आयनिक कंपाउंड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, फेजान रूल में हम लोग पढ़े थे आयनिक कंपाउंड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। उसका कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए उसमें क्या देखे थे, कैटायन जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए स्मॉल, और एनायन जितना ही बड़ा ज्यादा होगा उतने उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो यहाँ पर एनायन देखे थे सबसे बड़ा साइज में किसका है, आयोडीन, राइट। साइज भी सोडियम कैटायन तो सारे में सेम है, कैटायन तो सारे में सेम है, लेकिन कैटायन एनायन का साइज सबसे ज्यादा सोडियम आयोडाइड में, आयोडीन का सबसे बड़ा, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसमें होगा, तब सोडियम ब्रोमाइड, तब सोडियम क्लोराइड। एसीटोन मेरा किस तरह का है, कोवेलेंट कैरेक्टर, लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसा रहेगा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों एक जैसा रहना चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, पानी वाटर में डिजॉल्व करेगा, दोनों दोनों एक ही तरह का, या तो पोलर होना चाहिए या नॉन पोलर होना चाहिए। तो यदि ये कोवेलेंट है तो इसमें भी कोवेलेंट होना चाहिए, एक ही जैसा होना चाहिए, एक मीन्स सोडियम आयोडाइड इसमें इजिली डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सोडियम आयोडाइड में कोवेलेंट कैरेक्टर है, इजिली डिजॉल्व करके आयोडीन माइनस बाहर निकल आएगा, क्योंकि आयोडीन माइनस एक्सचेंज करना है ना, आयोडीन को बाहर निकालना है तभी तो एक्सचेंज होगा। जब सोडियम क्लोराइड डालेंगे तो ये डिजॉल्व ही नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड क्योंकि आयनिक कैरेक्टर इसमें ज्यादा है, कोवेलेंट कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, तो जब तो इसमें कम होने के कारण सोडियम क्लोराइड से तो रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है बेटे। सोडियम आप मान लो ये दोनों दे दे, जब ये दोनों देगा मान लो इसको गायब कर दिया, और इसमें से पूछेगा कि किसमें रिएक्शन होगा, तो यहाँ कंपेयर करेंगे सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड में कंपेयर करेंगे, तो सोडियम आयोडाइड के कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो ये नहीं देगा, जब तीनों दे दिया किसका नहीं होगा तो ये एकदम नहीं हो, नहीं होगा, इसमें मान लो कुछ कंपेयर करेंगे तो इससे तो ज्यादा है कोवेलेंट कैरेक्टर। तो सेकेंड नीट या जेई के लिए क्वेश्चन ये रहेगा, बोर्ड के लिए नहीं, बोर्ड के लिए तो रिएक्शन लिख दिए काफी है,
तो एक तो इस रिएक्शन का नाम की पता होना चाहिए, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, फिंकल स्टीन रिएक्शन। और दूसरा चीज ये जो बताया अभी कि सोडियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड दे दिया है तो किसके साथ रिएक्शन हुआ, कॉन्सेप्ट रीजन भी समझ में आ गया, क्योंकि एसीटोन क्या है, कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है इसलिए ये ठीक है। तुम लोग निकलना तो निकल लो। नेक्स्ट इसमें तो ये तो एक एक्सचेंज टेक्निक है, कैसे हम लोग आपको अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, आयोडाइड बना सकते हैं, राइट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिंकलस्टीन रिएक्शन। उसी तरह से फिर नेक्स्ट जो है आपका फ्लोराइड के लिए, ये तो आयोडाइड बना दिए, आयोडीन अल्काइल आयोडाइड कैसे बनेगा, दूसरा रिएक्शन सीखेंगे अल्काइल फ्लोराइड कैसे बनेगा। जनरल टेक्निक से बनाया वेरी टफ वर्क, क्योंकि एक्सप्लोसिव बहुत होता है। तो उस रिएक्शन को यहाँ पर क्या नाम है, स्वाज रिएक्शन लिखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या करें हम लोग अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए, अल्काइल फ्लोराइड आर एफ डजेंट मीन रेडियो फ्रिक्वेंसी, आर एफ मीन्स अल्काइल फ्लोराइड। इस रिएक्शन का नाम क्या है, स्वार्ट SWARTS रिएक्शन ठीक है बेटे। अब इसको क्या इसमें है, जैसे क्या करेंगे आरएक्स लिए पहले क्लोराइड या ब्रोमाइड बना लेंगे जो इजीली बन जा रहा है मेरा, एक्स यहाँ पर क्या होगा आइदर सीएल या पीआर। यहाँ पर ध्यान रखना है कि अटैकिंग रिएजेंट मेरा किस तरह का रहेगा, सिल्वर फ्लोराइड ले लिए, सिल्वर फ्लोराइड हो सकता है, और क्या क्या दिया हुआ है, मरकरी H2F2 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, स्मिथ SbF3, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, फ्लोरीन F- बाहर निकल आएगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होगा, F- निकल गया, F से एक्सचेंज कर लेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, और क्या बन जाएगा मेरा प्रोडक्ट आर एफ और सिल्वर AgX। कोई एक एग्जांपल ले लो, CH3 Cl AgF से रिएक्ट करके क्या बना दिया, CH3F प्लस सिल्वर क्लोराइड। ये PPT बनाता है, ये सिल्वर क्लोराइड, चाहे कोई कलर भी ब्राउन कलर या कुछ कलर इसका भी रहता है, 9th ऑर्डर में केमिकल रिएक्शन में है सिल्वर को, हाँ सिल्वर को कोलिन से रिएक्ट करने पर सिल्वर कलर से ग्रे कलर या कुछ होता है, देखना ध्यान नहीं आ रहा, सिल्वर कलर से, हाँ PPT बताया ना, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर को कोलिन से रिएक्ट करने पर, हाँ सनलाइट के प्रेजेंस में, 9th में था सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर कलर से, हाँ सिल्वर कलर से बनाता है, 10th वाला में था ना, AgCl वाला, हाँ AgCl वाला, और एक बोलमिन से जो बनाता था जो कि आपको फोटोशॉप वाले यूज करते थे, हाँ पिंक प्रेसिपिटेट, तो देखना तो बेटे सिल्वर क्लोराइड क्या बनाता है, कौन सा कलर, व्हाइट बनाता है ना, हाँ सिल्वर से व्हाइट। दूसरा उसी तरह से देखें, इसमें यदि सिल्वर Ag C2H5Cl ले लिए, Ag2F2 से यदि रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, C2H5F plus Hg Cl2 बोरमेन भी रख सकते हैं। तो हम लोग दोनों टेक्निक एक पहले वाला में क्या देखे, कैसे अल्काइल आयोडाइड बनाएंगे, उसी रिएक्शन को फ्लैंकलिन स्टीन रिएक्शन बोले। दूसरा क्या है,
जैसे हम लोग अल्काइल क्लोराइड बनाते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन इसको बोलते हैं, रिएक्शन का नाम याद रखना जरूरी है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना जरूरी है। ठीक है बेटे, लिख लिए। एक और फिर रिएक्शन है नाम से, क्योंकि आपके पास नाम याद रखना जरूरी है। दूसरा क्या है, एक फिर हुंड्रस डिकल रिएक्शन, एच यू एन हुंड्रस डिकल रिएक्शन, नाम सारे उल्टे उल्टे ये है, हुंड्रस डिकल रिएक्शन, ये स्पेशली प्रिपरेशन फॉर अल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए, ये स्पेशली क्या देता है, प्रिपरेशन फॉर अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल ब्रोमाइड के लिए। पहला क्या था, फ्रेस्टिन जीरो अल्काइल आयोडाइड के लिए था, दूसरा स्वार्च अल्काइल फ्लोराइड के लिए था, और अल्काइल ब्रोमाइड के लिए हुंड्रस डिकर रिएक्शन ये आपको देगा अल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए। इसमें क्या होता है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड करने का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3COOH। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं RCOOH को, क्या करेंगे, एसिड है, क्या बनाना है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। कैसे बनेगा ये ध्यान से देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए, प्लस ये एसिड हो गया, सॉल्ट बनाना एक बेस कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, सिल्वर के हाइड्रोक्साइड ले लिए बेस, एसिड बेस दोनों रिएक्ट करके क्या बना दिया, RCOOH सिल्वर प्लस H2O, सिल्वर सॉल्ट फैटी एसिड बन गया RCOOAG, राइट। क्या बनाना था, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बनाना था, क्या किए, एसिड को बेस से रिएक्ट किए, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का ले लिए, बेस सिल्वर हाइड्रोक्साइड ले लिए, रिएक्ट करके ये सॉल्ट बना दिया, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब ये क्या करेगा, ब्रोमीन से रिएक्ट करके CO2 बनाता है, यहाँ से ये दोनों कंबाइन हो गए, CO2 प्लस RBr प्लस सिल्वर ब्रोमाइड। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो हुंड्रस डिकर रिएक्शन, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर स्पेशली फॉर याम याद रखना अल्काइल ब्रोमाइड के लिए प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं, अल्काइल ब्रोमाइड के लिए प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर क्या है, आपका सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड RCOO सिल्वर को ब्रोमीन से रिएक्ट करने पर CO2 RBr प्लस सिल्वर ब्रोमाइड, ऑर्गेनिज्म आप कहीं कहीं याद भी करना पड़ेगा, कहीं कहीं याद भी रिएक्शन ये काम करना क्या है, एक अलग कॉपी में जो 12th में बच्चे हैं, एक अलग कॉपी सारे रिएक्शन एक कॉपी पतला कॉपी में सारे रिएक्शन लिख लीजिए, वही एक उपाय है, और उसी को बार बार पलटते रहना है, यहाँ पर रिएजन किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में करें, ये ऐड कर लेना बेटे, CCl4 के प्रेजेंस में करते हैं। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही हो रहा है, इसमें मैकेनिज्म कौन सा यूज हो रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज हो रहा है, ये Br2 है ना, Br2 Cl2 ये सब करते थे ना हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में, Br2 से याद है, उसमें कराया भी था अल्काइल क्लोराइड का, हाँ अल्काइल क्लोराइड का ब्रोमीन से रिएक्शन, अल्काइल क्लोराइड का ब्रोमीन से रिएक्शन उसमें हम लोग पढ़े थे, एक तो हैलोजनेशन पहला पढ़े थे, हैलोजनेशन, उसके बाद दूसरा
ब्रोमिनेशन Br2Cl2 से, और एक लास्ट में एक और था, तीन रिएक्शन हम लोग वहाँ पर, क्या था लास्ट वाला बेटे, हाँ हाइड्रेशन, H2O से रिएक्शन हाइड्रेशन, ये तीन रिएक्शन वहाँ भी हम लोग क्या देखते थे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था, यहाँ भी फ्री रेडिकल, ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब चलो राम कहानी जैसा से पढ़ना है, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने, काम ओवर। अभी इस लेक्चर में अभी क्या किया हम लोग, अल्काइल हैलाइड कैसे, आयोडाइड कैसे बनाए, राइट, फ्रैंकलिन स्टीन रिएक्शन जो था उसमें क्या किए, एक्सचेंज मेथड को कॉन्सेप्ट को यूज किया है, राइट। फिर दूसरा क्या था, अपना फ्लोराइड बनाने के लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन, उसमें भी हम लोग क्या देखे थे, उसमें क्या कर रहे थे, किसका कन्वर्शन किए थे बेटे, स्वार्ट्ज रिएक्शन में अल्काइल, हाँ अल्काइल क्लोराइड को सोडियम आयोडाइड से किए थे, और यहाँ ध्यान क्या दिए थे, सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड से रिएक्शन नहीं होता है, सोडियम क्लोराइड से तो एकदम नहीं होता है, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड में बोलेगा तो सोडियम आयोडाइड से, क्योंकि कोवेलेंसी लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग यहाँ यूज किए थे। थर्ड हम लोग क्या देखे कि अल्काइल ब्रोमाइड कैसे बनेंगे, दिस रिएक्शन इज हुडनसन डेकर रिएक्शन बोलते हैं, यहाँ पर सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड यूज कर रहे हैं और ब्रोमीन से रिएक्ट करके अपना बना लिए, काम ओवर। अब नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टी जो बच गया अब वो आसान आसान है, वो ज़्यादा अब खेल नहीं है, सिर्फ रिएक्शन लिखना है, उसमें देखना है SN1 हो रहा है कि SN2। SN1 में हम लोग क्या देखते थे, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता था, बेसिक थोड़ा सा रिवाइज कर लें। SN2 में क्या था, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। SN1 में हम लोग क्या देखे थे, वीक बेस कंसिडर किए थे, वीक बेस लिए थे कि धीरे से वीक बेस पहले वेट करेगा X माइनस को निकलने के लिए। SN2 में स्ट्रॉन्ग बेस यूज किए थे, तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस देख कर ही हम बता देंगे कि SN1 हो रहा है कि SN2 हो रहा है। SN1 SN2 को पहचानेंगे कैसे, वीक बेस होगा तो SN1 होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो SN2 होगा, ये चीज़ें खाली इसमें सीखना आ रही है। अब चलें स्टार्ट करें केमिकल रिएक्शन, प्रिपरेशन का काम ओवर हो गया अपना, सारे अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे बनेगा वो सारे हम लोग देख चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH, सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH, यदि OH को कहने का मतलब अल्काइल हैलाइड कोई भी है RX, X को हम लोग क्या कर रहे हैं, OH से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। यदि यहाँ पर कोई मान लो OH है माइनस, इससे सब्स्टिट्यूट करना है, इलेक्ट्रोफिलिक यानी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन एक्स निकलेगा OH इंटर करेगा, क्या बनाएगा अल्कोहल, क्या बनाएगा अल्कोहल, ठीक है, बिल्कुल दिमाग में सेट हो गया मेरा अल्कोहल। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूशन करने से क्या फॉर्मेशन हो रहा है, अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। आप ध्यान से देखो बेटे यहाँ पर, अब OH कैसा रखेंगे ध्यान देने की बात है। यदि ये स्ट्रॉन्ग बेस हम कंसीडर करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, OH क्या न्यूक्लियोफाइल है और X भी न्यूक्लियोफाइल है। यदि ये स्ट्रॉन्ग और वीक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल किस पर डिपेंड करेगा, ये बेस पर, बेस यदि आप स्ट्रॉन्ग कंसिडर कर रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस यदि कंसिडर कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देने की बात है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान देना है, SN1 इज प्रेफरेबल फॉर 3 डिग्री कार्बन, SN1 इज प्रेफरेबल फॉर 3 डिग्री एंड 2 डिग्री, SN2 इज प्रेफरेबल फॉर 1 डिग्री। तो यहाँ पे जो R जो होगा, यदि SN2 होगा तो 1 डिग्री लेंगे, और वो कैसे डिसाइड हो जाएगा, बेस क्या दिया हुआ है, जब ये स्ट्रॉन्ग बेस दे रहा है इसका मतलब SN2 रिएक्शन है, यहाँ पे कभी भी गलती से 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का नो रिएक्शन लिखेंगे, 1 डिग्री का ही रिएक्शन देगा, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म यूज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हैं
तो यहाँ पर क्या हुआ, कोई कार्बन कैटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ROH बना प्लस NaOH बना। HCl मैग्नीशियम क्या है, SN2, नो कार्बन कैटायन का फॉर्मेशन। यहाँ पर OH क्या होगा, बैक से जाके अटैक करेगा। ये क्या कर दिया, एक छुट्टा था यहाँ पर, एक दे दे छुट्टा था, वो दे दे अटैच होता था SN2 में, राइट। तो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, बैक साइड से अटैच करेगा, ये सारे कॉन्सेप्ट। आर क्रिस्टल का हुआ 1 डिग्री, सबसे इंपॉर्टेंट आर क्रिस्टल का हुआ, यानी CH3 मान लो कोई भी ले लो, CH3Cl 1 डिग्री हो गए। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराया, CH3OH दे दिया, प्लस आपका Cl बाहर निकल गया सोडियम क्लोराइड 1 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही ध्यान देना है। 3 डिग्री होगा, 3 डिग्री नो रिएक्शन, सीधे लिखेंगे। और कौन कौन सा और बेस क्या हो सकता है, ये इक्वस लिखते हैं, इक्वस पोटासियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है, वो भी दिया रहेगा तो SN2 ही देगा। सिल्वर और क्या क्या हो सकता है, ये लिखे रहो, सिल्वर हाइड्रोक्साइड मार्श सूखा हुआ, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है, और सिल्वर ऑक्साइड Ag2O ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। ये सारे यदि कोई भी इसमें से रहेगा तो SN2 रिएक्शन देगा, SN2 देगा। और RH क्रिस्टल का होगा 1 डिग्री, RH क्रिस्टल का होगा 1 डिग्री होगा, RH क्रिस्टल का लेंगे 1 डिग्री लेंगे। ठीक है बेटे, AgOH है, Ag2O, AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड और Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, चार हम लोग कंसीडर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, सिल्वर हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, सिल्वर ऑक्साइड, कोई रहेगा, इस चारों को चारों स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, सब देंगे अपना SN2 सोडियम क्लोराइड। ठीक है बेटे, डन। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेस को ध्यान रखना है, बेस को याद रखना है, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देगा, SN2 रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट R क्या होगा, हमेशा 1 डिग्री, हमेशा 1 डिग्री। यही सेम चीज याद होगा, उसमें हम लोग पढ़े थे, वहाँ पर हाइड्रेशन हाइड्रोजेनेशन क्या था वो नाम, जो एस2ओ से किए थे बेटे, हाइड्रेशन, हाँ हाइड्रेशन नाम था। यदि इसी को हम लोग, क्योंकि वो भी OH देता है, H2O भी क्या देगा, OH देगा, यदि यही रिएक्शन यदि RH को H2O से कराते हैं तो ये वीक बेस है, ये क्या है, वीक बेस है। तो यहाँ पर ध्यान देने का मतलब ये अल्काइल ग्रुप क्या हुआ, 3 डिग्री होना जरूरी मस्ट है, यानी CH3 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 Cl 3 डिग्री होना जरूरी है, 3 डिग्री के लिए ही देगा हाइड्रेशन, क्योंकि ये SN1 दे देगा, वीक बेस है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, OH माइनस कार्बो कैटायन का फॉर्मेशन होगा, रिएजमेंट प्रोसेस सारा रहेगा, तो ये अपना क्या दे देगा, CH3 राइट, और OH CH3। ठीक है बेटे, पर देख लेना, क्योंकि 3 डिग्री कार्बो कैटायन, यहाँ पे मेजर माइनर सारा वो देखे थे हम लोग, अभी भी हाल में भी रिवाइज किए हैं हम लोग, उसको बार बार वीडियो को देखिए जो जो अपलोडेड है, काइंडली रिक्वेस्ट है, ऑर्गेनिक बढ़िया करना है इसीलिए उसको अपलोड किया हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ, ये आप ही के साथ नहीं है, मेरे साथ भी है, कोई जरूरी नहीं कल पढ़ाया हो सकता है आज मैं भी भूल जाऊँ, तो एक ही उपाय है मुझे भी याद रखने के लिए, मुझे भी उसको बार बार देखना पड़ता है, इसीलिए वो टेक्निक बहुत अच्छे टाइम पर हम लोग उसको पकड़ लिए, वो एक दिन तुम गायब हो गए हम लोग के लिए बोनस हो गया है। हाँ, इसने बोला था अमन सर आज क्लास को रिकॉर्ड कर लीजिएगा, तो वो बोनस पॉइंट आप दिखाई दे रहा कितना फायदा हो रहा, मेरे लिए भी एक दिन तुम लोग कोई टॉपिक पढ़ाना था तो एक बार हम भी उसको देख के रिवाइज किए कि क्या क्या पढ़ाए थे, तो एवरीवन सबके लिए फायदा है।
ठीक है बेटे, इसको मिटाएं आप। ओके क्लियर हो गया। तो आप यहाँ पूरे रिएक्शन हमको खाली एस एन वन एस एन टू रिएक्शन मैकेनिज्म पे ही फोकस है, अभी जो करें सारा सब्सटीट्यूशन का ही करेंगे। नेक्स्ट ओ एच को सब्सटीट्यूट करने पर हमें क्या मिल रहा है, अल्कोहल। यदि ओ एच सब्सटीट्यूशन यहाँ पर ग्रुप लेते हैं तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट सब्सटीट्यूशन दूसरा इक्वेशन सारे सब्सटीट्यूशन का ये भी कर रहा है, सब्सटीट्यूशन ऑफ ओ आर माइनस। अब देखो रटने की भी जरूरत नहीं है क्या फॉर्म करेगा, एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं, ओ आर रिप्लेस करके देख लेते हैं क्या फॉर्म कर रहा है। आर एक्स ओ आर माइनस ले लिए, क्या हुआ एक्स सब्सटीट्यूशन करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन क्या बन जाएगा, देखो तो आर ओ आर इथर, या कोई जरूरत ही नहीं रखने का, तो सब्सटीट्यूशन ऑफ ओ आर क्या फॉर्मेशन कर रहा है, इथर फॉर्मेशन ऑफ इथर। यहाँ पे याद है निम्नलिखित में छोटा वाला सी जो छोटा रहता था कार्बन नंबर उसको मिथॉक्सी और उसके बाद अल्केन बोल देते थे, मिथॉक्सी अल्केन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे एक कर लेते हैं आप, ओ आर माइनस किससे मिलेगा वो ध्यान देने की बात है, ओ आर ग्रुप किससे मिलेगा, तो ये हमें मिल रहा है सोडियम सोडियम इथॉक्साइड या सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम एन ए ओ आर एन ए ओ आर सोडियम सोडियम। यहाँ पर कोई नाम दे दें आर यहाँ पर मान लो सी एस टी दे देते हैं, तो सोडियम मिथॉक्सी ऑक्साइड सोडियम नाम क्या हो गया सोडियम ओ सी एस टी क्या दे दिया मिथॉक्सी 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 ऑक्साइड मिथॉक्सी ऑक्साइड। यहाँ भी आप ध्यान देने का देखो ये क्या हो गया मेरा न्यूक्लियोफाइल, ये क्या हो गया मेरा न्यूक्लियोफाइल, एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है। ये मान लेते हैं एक्स कुछ ले लेते हैं सी टू एच फाइव सी एल, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट मेरा, कहीं कहीं ड्राई इथर देता है कहीं कहीं नहीं भी देता है, तो इसीलिए टेंशन, कहीं कहीं ड्राई इथर भी यहाँ पर लिख देता है ड्राई इथर के प्रेजेंस में, क्या बन गया अपना ध्यान से देखो बेटे सी टू सी टू एच फाइव ओ सी एच थ्री। नाम कैसे ये कार्बन छोटे कम है इसमें तो मिथॉक्सी इथेन मिथॉक्सी इथेन नाम क्या हो गया मिथॉक्सी इथेन, छोटा वाला नंबर ऑफ कार्बन जिसमें कम होगा उसको ऑक्सी से जोड़ देंगे, एक कार्बन है इसलिए मिथॉक्सी और जो बड़ा वाला है वो इथेन बड़ा वाला इथेन। ये आप ध्यान से देखने का है ये किस तरह का सोडियम आ गया, सोडियम आते दिमाग खड़खड़ाना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम जहाँ आया स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस होने का मतलब सारा कहानी क्लियर एस एन टू मैकेनिज्म, एस एन टू मैकेनिज्म ये वन डिग्री होना चाहिए, यही सब ध्यान देना है। मैकेनिज्म पकड़ना है कैसे पकड़ रहे हैं, किस तरह का बेस वीक बेस यूज कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हैं, सोडियम जहाँ आएगा स्ट्रॉन्ग बेस देगा ही। वीक बेस वाला में हम लोग क्या देखे थे, वाटर था इथाइल एल्कोहल था यही था सी एस टी ओ एच था यही एक और कोई था चार वहाँ भी कंसिडर यही वीक बेस में थे, एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा एस एन टू एस एन वन वाला में, एक तो वाटर फिर अल्कोहल इथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल यूज करते थे, एक और कोई था नाम बोल रहा हूँ वीक बेस में जो हम लोग कंसिडर किए थे एस एन वन में, और स्ट्रॉन्ग बेस का तो अभी हो ही गया सोडियम दिमाग घूमते सोडियम जहाँ अटैच हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सिल्वर हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड ए जी टू ओ चाहे सोडियम यहाँ जुट गया तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस आते हैं एस एन टू और रिएक्टेंट वन डिग्री होना चाहिए रिएक्टेंट वन डिग्री होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन एक क्या पूछता है क्लियर बता दूँ अब देखो कितना आसान ऑर्गेनिक और लगेगा, क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है ए और बी दो अननोन है रिएक्टेंट
रिएक्टेंट और आपका दोनों अनोन है। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में प्रोडक्ट दिया हुआ है CH3, CCH3, CH3, OCH3 बन रहा है। हमें बताना ए और बी क्या होगा, ए और बी क्या होगा, क्या बताना है ए एंड बी क्या होगा। कॉन्सेप्ट क्या देखें, ड्राई ईथर दिया हुआ है राइट, इट मीन्स यहाँ पर बेस जो होगा ड्राई ईथर करने मतलब बी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा ठीक, SN2 मैकेनिज्म होगा, फला दिमाग क्लियर। ए क्या रिएक्टेंट 1 डिग्री होना चाहिए। अब इसमें से देखो 1 डिग्री होने के लिए क्या कौन सा होगा, 1 डिग्री कैसे बनेगा, ये तो दे देगा 3 डिग्री क्योंकि रिएक्टेंट ये हो नहीं सकता है, तो CH3X 1 डिग्री होगा। ए क्या हो गया मेरा, ए क्या हो गया CH3 जो भी दे रहा है यानी X जो भी बना रहा होगा यहाँ पर ठीक है, कूलिंग डाल लेते हैं चाहे जो भी X रख लेते हैं सिंपली राइट। और उसके बाद नेक्स्ट अब जो बच गया B क्या हो गया CH3, CCH3, CH3, O सोडियम अल्कोक्सी जो होगा वो 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन किस पर है, जो रिएक्टेंट ए है उस पर रिस्ट्रिक्शन है, SN2 हुआ तो 1 डिग्री होना चाहिए, तो देख के 1 डिग्री पहले पकड़ लिए ए, और बी अपना हो गया सोडियम अल्कोक्सी ग्रुप वो 3 डिग्री भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ रहा बेटे, पीछे बताओ मैं एक बार देखो क्या है यहाँ पर, क्या है अभी क्या पढ़े हम लोगों कि ए जो होगा यदि SN2 मैकेनिज्म होता है, अच्छा ये तो क्लियर हो गया कि ईथर बन रहा है, ईथर बन रहा है तो बी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, अभी पढ़े स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और भी किस तरह का सोडियम अल्कोक्सी ग्रुप, सोडियम अल्कोक्सी ग्रुप पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन मेरा रिएक्टेंट क्या होगा 1 डिग्री होना चाहिए, रिएक्टेंट 1 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ 1 डिग्री किससे बन सकता है, यही दो चीज है ना, या तो CH3, CCH3 ये एक हो सकता है ऑप्शन, और बी OCH3 हो सकता है सोडियम दूसरा, तो ये तो रिएक्टेंट कभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि 3 डिग्री का वो के टाइम हो गया, ये रिएक्टेंट तो कभी हो ही नहीं सकता SN2 में क्योंकि 3 डिग्री का वो के टाइम हो गया राइट। दूसरा ऑप्शन क्या था मेरे पास, दूसरा ऑप्शन मेरे पास CH3 और CH3 CCCH3 CH3 ONA, इस पर तो रिस्ट्रिक्शन नहीं था ना बेस पर, सिर्फ रिएक्शन किस पर रिस्ट्रिक्शन था ए पर, तो ये क्या हो गया इसीलिए CH3X दे दिया क्योंकि अल्काइल हैलाइड से बन रहा था ना, अल्काइल हैलाइड OR ग्रुप को सब्स्टिट्यूट किया, ए क्या हो गया आपका मिथाइल हैलाइड और ये आपका अल्कोक्सी सोडियम अल्कोक्सी ग्रुप। तो यही ध्यान देना है कि SN2 होगा तो रिएक्टेंट 1 डिग्री ही लेना है, जब वीक बेस होगा तभी 3 डिग्री प्रेफर करेंगे, जब 3 वीक बेस होगा जैसे वाटर हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, मिथाइल अल्कोहल हो गया, SN1 तो इस तरह के रिएक्शन आपके हैं। एक लास्ट करके क्लोज कर देते हैं बस हो गया बेटे, सब्स्टिट्यूशन ऑफ साइनाइड ग्रुप CN, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अमीन बनाने के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ CN ग्रुप क्या फॉर्म करता है देख लेते हैं,
आर एक्स सी एन ग्रुप आ गया, डिक्लोफाइल ही है ये भी, ठीक है। माइनस ये क्या दे दिया, आर सी एन, आर सी एन अल्काइल सनाइड, क्या बोलते थे इसको, अल्काइल सनाइड, साइनो मार साइनो साइनो सी एन साइनो किसको बोलते थे, एनसी को, साइनो एनसी को साइनो बोलते थे। और ये क्या होता था, अल्काइल सनाइड या नेट्राइल भी बोलते थे, अल्काइल नेट्राइल, अल्काइल नेट्राइल, अल्केन नेट्राइल, यदि एक रहेगा तो अल्केन, अल्केन नेट्राइल, और कॉमन नेम में अल्काइल सनाइड बोलते थे, अल्काइल सनाइड। ये अल्काइल सनाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एमीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जब वहां पर है तो ये देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा रिएक्शन, एमीन बनाने के लिए और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटे। चले अब ये सनाइड कैसे मिलेगा, इसको देखना, पोटेशियम सनाइड कर दो, स्ट्रॉन्ग बेस दे देगा, आर एक्स के सी एन रिएक्ट करके क्या दिया, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस होते ही SN2 हो गया, SN2 होते ही ये 1 डिग्री हो गया। अब देखो सारा तो कॉन्सेप्ट, अब कहीं इतने बार SN1 SN2 कटे हैं कि सब फंडे अपने याद हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस होते ही SN2 हो गया, SN2 होते ही ये रिएक्टेंट क्या होगा, 1 डिग्री लेंगे। अब ये क्या बना दिया, RCN प्लस KH, काम खत्म। सिर्फ हम लोग को SN1 SN2 पहचानना है, जहाँ एडिशन होगा फिर एडिशन वाला देखेंगे, जहाँ एलिमिनेशन होगा एलिमिनेशन वाला देखेंगे। ये चीजें हर चैप्टर में यही अब रिवाइज होना है ऑर्गेनिक में, ठीक है बेटे। ये सनाइड क्या हो गया, और कल खाली रिएक्शन देखेंगे, कहीं मैकेनिज्म को अब जरूरत नहीं है, कल ऑलमोस्ट देख के कोशिश करेंगे खींच लेने के लिए कंप्लीट, ठीक है बेटे। आज यहीं रहने देते हैं।